एडवेंचर के लिए रील बनाना कितना जानलेवा साबित हो सकता है वो महाराष्ट्र की एक दिल दहला देने वाली घटना बताती है। संभाजीनगर में एक लड़की कार चलाते हुए रील बना रही थी, लेकिन बदकिस्मती ये रही कि रील उसके लिए जानलेवा साबित हुई। लड़की खाई में जा गिरी। सांसें थाम देने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के संभाजीनगर से आया है, जहां एक लड़की सफेद कार में ड्राइविंग सीट पर होती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के साथ भीषण हादसा हो जाता है, उसकी कार खाई में गिर गई। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। जो सफेद चमचमाती कार दिख रही थी उसके पर खच्चे उड़े हुए हैं, वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। हादसा कितना भयंकर रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसे अब ध्यान से देखते हैं। कार में लड़की बैठी हुई है, उसका दोस्त बाहर से वीडियो बना रहा था। दरअसल लड़की कार चलाते हुए वीडियो शूट करवा रही थी। कार के पीछे की तरफ खाई भी दिखाई दे रही है, वहीं आसपास कई दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं। अपने दोस्त से बात करते हुए लड़की कार में रिवर्स गियर लगाती है। पहले तो वो धीरे धीरे कार को पीछे ले गई, लेकिन अचानक उससे गलती से एक्सीलेटर दब गया। लड़की का दोस्त उसे क्लच दबाने को कहता भी है, लेकिन कार तेजी से एक झटके में खाई से नीचे गिर गई, जिसके बाद तो मौके पर कोहराम मच गया। सोमवार की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 23 साल की एक लड़की के साथ ये घटना हो गई। घटना दोपहर के वक्त सुली भंजन इलाके में हुई। लड़की की पहचान श्वेता सुरवासे के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलने के बाद राहत बचाव टीम घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन गहरी खाई में कार के गिरने से बचाव टीम को भी वहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। आनन फानन में लड़की को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह रील बनाने की कोशिश में इस लड़की की जान चली गई और परिवार वालों को जिंदगी भर का गम दे गई। जानकारी के मुताबिक श्वेता अपने दोस्त शिवराज संजय मुले के साथ किसी काम से संभाजी नगर से दत्त मंदिर इलाके में आई थी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं, यही लापरवाही कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। हाल ही में ऋषिकेश से भी बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। यहाँ राफ्टिंग के लिए युवा वर्ग ज्यादा आता है। युवा सेल्फी और रील बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के गहराई वाले भाग में पहुंच जाते हैं। पानी के भंवर में फंसने के बाद वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई वापस ही नहीं आ पाते और जान गंवा देते हैं। इस साल SDRF की टीम ने नदी में 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग मारे गए। पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और इसमें अधिकतर मामले रील और वीडियो बनाने के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।